एक और क्वेश्चन, मेरा एक भाई है जो रोज शेल्टर जाते हैं, उन्हें भी रोज सुनते हैं, लेकिन फिर भी उनको कभी कभी वो शराब पीते हैं, छोड़ नहीं पाते। तो मैं कहता हूँ दीदियों से तुम्हारा शिकायत करूंगी, तो कहता फिर झगड़ा होती है, क्या करना चाहिए वैसे? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रैक्टिकल अभी हमने एक जगह किया। अरे आप बताओ क्या करना चाहिए? पति शराब पीता है, माता जी को 10 साल से बाबा कह रहे गुस्सा छोड़ो, माता जी ने छोड़ा नहीं, और पति शराब पीता, पति को कहते शराब छोड़ो, वो छोड़ सकता आप नहीं छोड़ सकते, तो ये कैसे है? बाबा ने आपको ज्ञान में चलते, वो पति ज्ञान में नहीं चलता, शराब पीता, आप उसको रोज कहते शराब छोड़ो शराब छोड़ो, बाबा ने आपको कितने साल से कहा गुस्सा छोड़ो, आपने छोड़ा, आप नहीं छोड़ सकते, वो कैसे छोड़ेंगे? दूसरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है और सबसे कठिन अपने लिए। तो आपने कहना जब शराब छोड़ेगा वो, तो उपाय बताओ क्या करना चाहिए, किसी के पास उपाय तो बताओ। आप भी कहते हो शराब नहीं पीलो, बीड़ी नहीं पीलो, गुस्सा नहीं करो, बताते हैं ना, लेकिन आपने गुस्सा छोड़ा। बच्चों को कहते बच्चे गुस्सा नहीं करो, आप करते हो समय पर, तो इसका उपाय बताओ। अगर कोई शराब पीता है तो कुछ तरीका है तो बताओ। बहन जी बताओ, आपने पहला जवाब दिया, अभी दे दो, ज्योति को बाबा शिव ज्योति शक्ति देता है। हाँ ज्योति बहन ने अभी देखो तुरंत जवाब दिया, अभी भी शिव ज्योति है ना, शिव बाबा उनको शक्ति देता है, इसलिए वो जवाब देगी। योग का प्रयोग इतना, माता जी का योग भी होना चाहिए ना, दान देना चाहिए, पैसे होगा तो दान देंगे ना, तो वो नहीं, और कोई उपाय बताओ। लेकिन पिता तो है ना, पैसे खर्चा करता है, बदनामी होते, माता जी रोज क्लास में आती है, सब लोग कहते हैं बहन माता जी आप क्लास में चलते, आपका पति देखो शराब पी के उधर गिरा है, क्या करता है? तो माता जी को क्या लगता है क्या करे, उसकी कोई उपाय बता। शराब पीना भी एक बीमारी है, तो बीमारी कई सालों से है, तो बीमारी ठीक होने में भी समय। शिव बाबा से पूछ लो, शिव ज्योति और बताओ किसी के पास है? देखो अभी याद रखना, ये हमने प्रैक्टिकल दो जगह किया, विदेश में भी यहाँ भी। तो मैंने कहा कि कभी किसी को शराब नहीं पियो, तंबाकू नहीं खाओ, नहीं क्योंकि आप भी नहीं कर सकते तो दूसरे कैसे करेंगे। अगर माता जी को कहा पति शराब पीता है पीने दो, उसको बोलना आप शराब पी लो लेकिन मैं ला के देती हूँ, आप जाना नहीं बाहर, आप खाना खा लो सो जाओ, मैं आपको शराब ग्लास में डाल के पी के सो जाओ। तो भाई जी शराब पिलाओ, हाँ कैसे, अभी उसकी विधि चाहिए। ना नहीं कर, ना करेगा तो आपको चुपके पिएगा, उसकी आदत है, क्या करेगा, तो आप रोक सकते हो नहीं, तो विधि चाहिए। तो बाबा विधि का, हाँ शराब पी लो, ना नहीं पी लो कभी नहीं बोलना, तो शराब लाओ फ्रिज में रखो, एक बॉटल कोको कला भी रख दो, दोनों रख दो, और कहो आप खाना खा के सो जाओ, मैं ग्लास में एक दिन फुल शराब डाल के देना, दूसरे दिन थोड़ा सा कोको कला डालना, थोड़ा शराब डालना, दोनों मिक्स करके देना, तीसरे दिन कोको कला ज्यादा शराब कम, धीरे 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 चौथे दिन सिर्फ कोको कला पिलाना। ना करते हुआ ना किया तो वो भी उसके कोई किसी के वश नहीं है, व्यसनों के वशीभूत है। बाबा भी हमको कितने सालों से कह रहा गुस्सा नहीं करो, हमने छोड़ा नहीं, छोड़ा वो कैसे छोड़ेगा? दूसरों को पढ़ाना सबसे सच का, तो युक्ति करो, हाँ पिलो, ना नहीं, नहीं पिलो नहीं कहना, मैं पिलाता हूँ, आप ला के एक दिन पियो शराब पिलाओ, विश्वास होगा हाँ सही है, दूसरे दिन थोड़ा सा कोको कला डालो, तीसरे दिन और थोड़ा डालो, धीरे तीन चार पांच छह दिन उसको पता नहीं चलना चाहिए, उसकी आदत धीरे धीरे चेंज करना, माता गुरु है ना, सब कुछ कर सकते हो। तब बाबा ने माताओं के ऊपर ज्ञान का कलश रखा, ये नहीं करो ये नहीं करो कभी नहीं बोलना, तो करने विधि चाहिए। कि अगर बेटा टीवी देखता है, टीवी देखते समय आप उसको खींचते हो पढ़ाई करो, और आप टीवी देखते हो उसको कहते पढ़ाई नहीं करो, आप टीवी देखते हो उसको पढ़ाई में दिल लगेगा, आप भी टीवी बंद कर दो, आप भी नहीं देखो। तो बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, आपको भी त्याग करना है ना, घर में टीवी चलते रहे और वो पढ़ाई करे, और पढ़ाई टीवी देखने किसने सिखाया? माता गुरु ने सिखाया था, छोटा था बच्चा गोदी में लेके आप टीवी देखते थे उसको सिखाया आपने, और अभी कहते हो नहीं देखो। तब बाबा ने कहा माताओं के ऊपर ज्ञान का कलश रखा, आप परिवर्तन करो, ठीक है, तब माता गुरु है। समझ में आया?